सो जो थर्ड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आती है दैट इज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर सॉलिड एंड लिक्विड फेसेस दोनों क्या करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो दैट मीन्स डिक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट में होता क्यों है? देखो, तो जैसे ही हम लोग जो है वो प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, ये तो हम शुरू से बात करते हैं। जैसे ही वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है वैसे उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या करता है, डिक्रीज। लाइक आप लोग देख सकते हो, अगर आपने टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर का ग्राफ प्लॉट किया तो ये है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा वो क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। दैट मीन्स उसके साथ फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर भी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। ये नीचे वाली कर्व है सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हम डेल्टा टी एफ से लिखेंगे, एफ इज फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। एंड ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, क्योंकि सॉल्यूट ही ऐड करा तभी तो वो मतलब डिक्रीज हुआ, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। सो इसलिए ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे सिमिलरली कांस्टेंट आएगा, जैसे कि एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में था कि एक्स टू क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, उसका फॉर्मूला होता है एन टू बाई एन वन प्लस एन टू, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एन टू को कर देते हैं निगलेक्ट, ये आ जाएगा हमारे पास। एन के होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट बाय मोलर मास, एन टू का आएगा डब्ल्यू टू बाय एम टू, एन वन का आएगा डब्ल्यू वन बाय एम वन, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे आ जाएगा, तो बेसिकली बनेगा क्या, डब्ल्यू टू इंटू एम वन डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन इंटू एम टू, ठीक है। डब्ल्यू टू बाई एम टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये हमें पता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट, ये क्या होती है, मोलैलिटी। तो यहाँ से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, कॉन्स्टेंट लिख देते के एफ, ठीक है। अब ये आपका आता है मेन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब के एफ क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, ठीक है, और मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। के एफ उसमें के बी था बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। अगर मोलैलिटी वन है तो के एफ किसके इक्वल आ जाएगा, डेल टी एफ के, ठीक है। अब इसकी थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन की, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन से आप लोग कैसे इस एक्सप्रेशन को प्रूव करते हो। थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन के लिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था दो इक्वेशंस यूज करनी है, फर्स्ट इज क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, सेकेंड इज आपकी जो राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन होती है, ठीक है। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इसको हम पहले करेंगे सॉलिड फेस के लिए, ठीक है, सॉरी सोल्यूशन फेस के लिए, सॉरी बोलियो सोल्यूशन फेस के लिए, ठीक है। तो इधर क्या आएगा आपका, डेल एच एस आएगा, ठीक है। ये सारी आ गई एक्सप्रेशन, पी नॉट बाय पी, ठीक है, टी एस बाय एलसीएम लिया डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, दोनों इक्वल होते हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा, टी नॉट स्क्वायर, यहाँ तक आ गया। फिर क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड वेपर फेस, पहले सोल्यूशन फेस के लिए थी, अब आएगी वेपर फेस के लिए। वेपर फेस के लिए इधर क्या आएगा, डेल एच वी आएगा, ठीक है। इधर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि उधर था आपका सोल्यूशन फेस, तो इधर आपके पास वेपर फेस में क्या आ जाएगा, पी एस बाय पी, ठीक है। ये सारा ऐसा आ गया, इधर टी नॉट स्क्वायर, ठीक है। ओके, देन थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप अगर हमें चाहिए सॉलिड एंड लिक्विड के लिए, तो हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस आई हैं, दिस वन एंड दिस वन, दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस हो जाएगी, राइट हैंड साइड भी माइनस हो जाएगी। अब राइट हैंड साइड में देखो, ये सारी चीज़ें तो कॉमन ही है ना, तो मतलब बचा के आपके पास डेल एच एस माइनस डेल एस वी, बाकी सारा कॉमन आ गया, ठीक है। इधर अगर आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। बचा गया नेचुरल लॉग ऑफ पी नॉट माइनस पी एस, नेचुरल लॉग ऑफ एम माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एन का फॉर्मूला क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ एम बाई एन, ठीक है। तो जैसे पी नॉट बाय पी एस आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आपकी इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक है। नाउ अब लगाओ राउल्ट्स लॉ, ठीक है, क्लॉसियस क्लैपेरॉन लगा दिया, अब लगाना है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन, वन माइनस पी एस बाय पी नॉट लिख सकते हैं इसको, ये वन उधर जाएगा, ठीक है। उसके बाद लॉग ले लिया दोनों साइड्स पे, इधर भी लॉग इधर भी लॉग, इसकी क्या होती है, मैथमेटिकल एक्सपेंशन। पहले इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल, पी नॉट ऊपर लेके जाना, पी एस नीचे लेके आना, इधर क्या आ जाएगा, माइनस साइन, जैसे लास्ट केस में किया था, ठीक है। अब इसकी एक्सपेंशन ली, ये सारी टर्म्स को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट, क्योंकि ये क्या होती है, स्मॉलर बच्ची, सिर्फ ये वाली टर्म, ठीक है, ये माइनस इधर आ गया, ठीक है। सारा बिल्कुल पिछली डेरिवेशन की तरह सेम है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आपने पुट कर देनी है इधर, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ऑफ पी नॉट बाय पी एस इज इक्वल्स टू एक्स टू आ गया। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फिफ्थ के साथ कंपेयर करो, तो मतलब क्या आ रही है आपकी, ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम आ रही है, मतलब राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इक्वल, मतलब एक्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, इधर। तो देखो फर्क सिर्फ कहाँ आ रहा है, इधर,
उधर क्या था आपका डेल टी बी, इधर क्या आ रहा है आपका डेल टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, बाकी सारा सेम चल रहा है। आगे इधर फिर क्या किया था, x2 की वैल्यू पुट कर दी, n2 टू बाई एन वन प्लस एन टू होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, ये निगलेक्ट हो जाता है, n2 टू बाई एन वन रहता है, n2 क्या होता है और n1 क्या होता है, उनकी वैल्यूज पुट कर दी तो x2 की वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू आपने उधर पुट कर देनी है, ठीक है। फिर हमने क्या लिया था उधर, अगर आपको याद होगा LV, इधर क्या आएगा LF, ठीक है, LF किसके इक्वल होगा, डेल एच एफ बाय एम वन, ठीक है, तो मतलब इसकी और इसकी जगह पे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो एल एफ किसकी आएगा डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, तो ये सारा पुट कर दिया। फिर मोलैरिटी क्या होती है, डब्ल्यू टू बाई एम टू इंटू थाउजेंड डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन, ठीक है, अब ये थाउजेंड उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो एम बाई थाउजेंड की वैल्यू क्या आ जाती है, ये सारी मतलब इस सारे की जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं, एम बाई थाउजेंड, ठीक है, इसको इकट्ठा कर लिया। अब क्योंकि ये सारी टर्म कॉन्स्टेंट है तो इसको के एफ का नाम दे दिया, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, तो ये आ गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन फॉर फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट अब मोलर मास फाइंड आउट करना है, तो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, मोलैरिटी की वैल्यू पुट कर दो, M2 को उधर ले जाओ, तो ये आपके पास आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज डेल पी, ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें अगेन जैसे हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में किया था, N2 की वैल्यू जो आई उसमें से W2 की वैल्यू निकाली और W1 की वैल्यूज निकाली, इधर पुट करी, ठीक है, जो जो भी कटिंग होती है M2 M कट गया, ये बचा N2 बाय N1, ठीक है, फिर राउल्ट्स लॉ लगाया, N2 बाय N1 की ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दी, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ निकालना, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिया, उधर से N2 की वैल्यू निकाली, फिर फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, ये W2 टू बाई एम टू क्या होता है N2, ठीक है, ये वाली N2 की वैल्यू इधर पुट कर दी, ठीक है, फिर इसको W1 एंड वॉल्यूम का डिवाइड D होता है, अब क्योंकि W1 डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगी, डेंसिटी, ठीक है, तो ये आ जाएगा रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट विद ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, इसकी भी एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के दो मैथड्स हैं, बैकमैन मैथड है, इसका अपरेटस आप लोग देख सकते हो, ठीक है, एक आपकी इनर ट्यूब बी है, ठीक है, जिसमें बैकमैन थर्मामीटर लगा हुआ है, ठीक है, स्टरर है ताकि वो प्रॉपर स्टरिंग उसकी होती रहे, ठीक है, फिर एक आउटर ग्लास बी है, ठीक है, फिर इसको एक ग्लास वेसल में रखा है जिसमें फ्रीजिंग मिक्सचर भी डाला हुआ है, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, इनर ट्यूब में एक नोन वेट का सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि उसका अप्रॉक्सीमेट फ्रीजिंग पॉइंट आप लोग कैसे निकालोगे, जब आप उसको फ्रीजिंग मिक्सचर में रखोगे ना और उसका टेम्परेचर नोट करोगे तो वो उसका होएगा अप्रॉक्सीमेट फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, जो आपका सॉल्वेंट होएगा ना उसको आपने कूल होना है, कूल होने देना है, जो उसका अप्रॉक्सीमेट आपने फ्रीजिंग पॉइंट निकाला है उससे बिलो 0.5 तक उसको कूल डाउन करना है, ठीक है, फिर उसकी प्रॉपर स्टरिंग करोगे, आप स्टरिंग करोगे तो उसकी सॉलिडिफिकेशन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, जब सॉलिडिफाई करेगा वो तो उसका जो टेम्परेचर ऑब्वियसली वो क्या करेगा, राइज करेगा, ठीक है, राइज करना शुरू हो जाएगा और एक पॉइंट पे जाके उसका टेम्परेचर जो है ना वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, वो उसका होएगा एक्यूरेट फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, उस सॉल्वेंट का। फिर आपने क्या करना है, जो आपका सिंपल थर्मामीटर है ना उसको रिप्लेस कर देना बैकमैन थर्मामीटर से, ठीक है, फिर आप लोग क्या करोगे, फिर आपने क्या करना, ट्यूब ए को दोबारा से बाहर निकालना, अपना सॉल्वेंट जो आपका मेल्ट हो चुका था, ठीक है, उसको जो आपका सॉलिडिफाई हो चुका था उसको अपने रीमेल्ट करना है, ठीक है, फिर आपने एक नोन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें डालना है, ठीक है, उसको स्टर करना है, सेम वे से उसका फ्रीजिंग पॉइंट नोट करना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट एक सॉल्यूशन का आ गया, एक आपके पास किसका आ गया, प्योर सॉल्वेंट का जो आपने पहले निकाला था, दोनों का डिफरेंस लिया तो वो क्या आ जाएगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब क्योंकि सल्यूट का वेट भी कांस्टेंट ले रहे हो, ठीक है, सॉल्वेंट का भी कांस्टेंट ले रहे हो, तो आप ऑब्वियसली क्या कर सकते हो, फाइंड आउट इजीली मॉलिक्यूलर मास ऑफ, मॉलिक्यूलर मास आप लोग को पता है, ठीक है, वेट भी आप लोगों को पता है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है।